क्या दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ के बैरिंग की। ये एक सेल्फ का बैरिंग है जो अक्सर गाड़ी में खराब हो जाता है। जितने भी क्लासिक या थंडरबर्ड, जितने भी सेल्फ स्टार्ट रॉयल इनफील्ड है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, सेल्फ का बैरिंग खराब हो जाता है। और ये रॉयल इनफील्ड का जो ओरिजिनल सेल्फ का बैरिंग आता है या किट आती है पूरी, वो आती है 4,713 रुपये के आसपास। ठीक है, तो उसका एक समस्या समाधान है। और ये दिल्ली में लोग 2,200 रुपये का कुछ लोकल वाला बेचते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सेल्फ का बैरिंग कितने का है और आपको कौन सा डालना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है, क्या आप ओरिजिनल डालें या लोकल डालें या मीडियम डालें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे लोकल है या सबसे सस्ता वाला, क्योंकि इसमें लोकल या ओरिजिनल की बात नहीं है, ये सिर्फ सस्ता और महंगी की बात है। ठीक है, क्या सबसे लो प्राइस का कितना काम करता है और जो सबसे महंगा वाला है वो कितने देर काम करता है, क्या उसकी गारंटी या वारंटी है। तो डेफिनेटली आपने शोरूम में गए होंगे या रॉयल इनफील्ड किसी भी सर्विस सेंटर पे जाएंगे और कहेंगे मुझे सेल्फ की किट चाहिए या सेल्फ का बैरिंग किट चाहिए और उसकी वारंटी गारंटी कुछ है, तो सीधे डेफिनेटली मना कर देंगे। और दिल्ली में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 2-3 दिन की है, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 दिन में तो ख़राब होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा देते हैं कि जो सबसे महंगा या ओरिजिनल कह दें, तो रॉयल इनफील्ड की तरफ से कुछ ऐसा बॉक्स आता है, उसके अंदर एक ऐसी पन्नी रहती है इस टाइप की और उसके अंदर एक सेल्फ का बैरिंग रहता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, और उसकी कीमत होती है 4,700 कुछ रुपये, 13 रुपये होती, पहले 71 रुपये थी, आजकल 13 रुपये है। और इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम आती कहाँ, बैरिंग के अंदर। तो ये एक हल्का बैरिंग खराब हो जाता है तो आपको कौन सा डालना चाहिए, क्या 4,700 रुपये आप सेल्फ के बैरिंग के लिए खर्च करेंगे, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा नहीं, तो कौन सा डालना चाहिए। अब सबसे महंगा वाला आपने देख लिया, अभी मैं दिखाता हूँ सबसे सस्ता वाला। अब देखिए आप ये सस्ते वाले बैरिंग को, तो अब हम दिखाते हैं जो सबसे लो प्राइस या सबसे सस्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुछ बॉक्स है, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है कहीं से लेके, और इसके बाद इसे बाहर निकाल के दिखा देते हैं। अब ये वो गरारी या गियर पूरी किट कह सकते हैं, और इसके अंदर भी बैरिंग है, वही बैरिंग जो 4,000 वाले में, वही बैरिंग इसके अंदर है और वही गरारी है। और ये आपको पड़ जाएगा, चलिए भी बताते हैं कितने का पड़ेगा, फिलहाल आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये तो देखा आपने अभी सस्ता वाला बैरिंग, और ये भी काफ़ी कारगर है और इसकी कीमत भी अभी बताने वाले हैं हम। उससे पहले बात कर लेते हैं, ये एक बैरिंग है, मैंने काफ़ी गाड़ियों में इसको डाल रखा है और सस्ते का सस्ता और टिकाऊ है। इवन क्या आपका 6 महीने कुछ नहीं होता, 6 महीने रफ यूज़ करेंगे ना तब भी कुछ नहीं होता है। और ये ख़राब क्यों होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी, तो पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ। अब बैरिंग देखने में तो सारे एक जैसे हैं, ये भी बैरिंग सिंपल है ऐसी है, उसके अंदर भी सेल्फ बैरिंग होता है, तो गरारी सारी एक जैसी होती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि लेना कौन सा वाला है, आपके लिए कौन सा बेटर है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ये लीजिए, ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा। इसके MRP दिखा देता हूँ, MRP इस पर है 2,200 रुपये कुछ MRP पड़ेगा, पर ये 2,200 रुपये एक्चुअल में 2,200 रुपये है नहीं, ये आपको 1,600-1,700 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली से खरीदते हैं, दिल्ली से हैं, ये 1,600-1,700 रुपये का आपको मिल जाएगा। और जो सबसे सस्ता वाला है जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, वो 1,100 रुपये का मिल जाता है और वो 4,000 कुछ रुपये का है। तो सबसे अच्छा मेरे में यही है, इसे मैंने काफ़ी टाइम से डाल रखा है और यूज़ कर रखा है, और तब जाके मैं रिजल्ट इसका आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डाल रखा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। और ना ही मैंने किसी से पैसा लिया है, बस ये था कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सजेशन या अच्छी राय दे सकूँ। तो मेरी नज़र में ये डालिए अगर दिल्ली से हैं, और कोशिश करेंगे कहीं से ये आपको मिल जाए। हाँ, दिल्ली से डेफिनेटली दिल्ली से मिलेगा 1,700 रुपये के अंदर। तो एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, अगर आपकी गाड़ी का सेल्फ का बैरिंग ख़राब है या ख़राब होता क्यों है, जब भी हम एक्सीलेटर लेते हैं और उसके बाद सेल्फ चलाएंगे,
जब भी हम थ्रॉटल खींच के या एक्सीलरेटर लेके सेल्फ दबाएंगे तब इंजन के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है और ठक खट करके आवाज़ आना चालू हो जाती है। उस बीच में आप समझ जाइए कि आपका सेल्फ का बैरिंग ख़राब होने लगा है, या आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपका भी सेल्फ का बैरिंग ख़राब हो जाएगा। तो ये कारण है कि सेल्फ का बैरिंग क्यों होता है ख़राब। अगर आपको नहीं करना है ख़राब या कैसे आपको स्टार्ट करना है, सिंपल सेल्फ हल्का सा दबाइए और इंजन को घूमने दीजिए, फिर हल्का सा थ्रॉटल खींचिए, मतलब बहुत ही बारीक सा थ्रॉटल को खींचिए जब इंजन घूम रहा हो। सिंपल हर बार स्टार्ट होगी और कभी भी मैं तो ये कहूँगा 90% आपकी सेल्फ के बैरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। 95% लाइफ बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मेक श्योर आपको पसंद आया होगा कि बैरिंग कैसे ख़राब होता है, कैसे नहीं होगा ख़राब और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा लेने के लिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।